नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज ब्लास्ट नेशनल में। आपके साथ मैं हूं श्वेता मिश्रा। चलिए खबरों के सफर को शुरू करते हैं। 1 जुलाई से देश में होंगे कई अहम बदलाव। इन बदलावों का सीधा आपकी पॉकेट और जिंदगी पर असर होगा। बैंकिंग और टैक्स से जुड़े नियमों में बदलाव होंगे। कार और बाइक खरीदना भी महंगा हो जाएगा। IDBI और SBI बैंक से पैसा निकालना भी महंगा होगा। ATM से पैसा निकालने और चेकबुक के इस्तेमाल पर भी एक्स्ट्रा चार्ज लगेगा। बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट BSBT अकाउंट पर नए नियम होंगे। SBI के ATM या बैंक ब्रांच से 4 बार पैसा निकालना यहां पर फ्री होगा। इसके बाद कैश निकासी पर 15 रुपए और GST देना भी होगा यहां पर। तो कई बदलाव कल से होने जा रहे हैं, जिसका असर सीधे आपकी पॉकेट पर, आपकी जिंदगी पर पड़ेगा। इन बदलावों का सीधा असर नजर आएगा। बैंकिंग और टैक्स से जुड़े नियम में यहां पर बदलाव होंगे। कार और बाइक खरीदना भी यहां पर महंगा हो जाएगा। आखिरकार आज प्रियंका से हुई नवजोत सिद्धू की मुलाकात। दोनों के बीच पंजाब के राजनीतिक हालात पर लंबी चर्चा हुई। संभवतः डिप्टी CM और PCC के मसले पर भी यहां पर बात हुई है। इस मुलाकात के दौरान सिद्धू से मुलाकात के बाद प्रियंका ने सोनिया और राहुल को इस मीटिंग को लेकर ब्रीफ किया है। प्रियंका से मंत्रणा के बाद सिद्धू की बॉडी लैंग्वेज भी उत्साहजनक दिखी। सिद्धू ने अपने ट्विटर पर पोस्ट की प्रियंका के साथ एक सुखद तस्वीर। शायद सिद्धू है प्रियंका से मुलाकात के बाद पूरे तौर पर संतुष्ट, लेकिन अब राजनीतिक क्षेत्रों में केवल एक ही बात की चर्चा है। आखिर क्या होगा आलाकमान का अगला स्टेप? संभवतः आलाकमान अब करेगा कैप्टन अमरिंदर सिंह से बात, लेकिन कैप्टन अमरिंदर अभी भी अड़े हैं अपने पुराने फॉर्मूले पर। सिद्धू को संगठन में कोई पद नहीं देने पर कैप्टन अड़े हुए हैं। ऐसे में एक प्रकार से प्रियंका सिद्धू मुलाकात केवल वन वे ट्रैफिक है, क्योंकि कैप्टन नहीं माने तो आखिर क्या रास्ता निकालेगा आलाकमान? वैसे भी कई दिनों से आलाकमान की अथॉरिटी है कसौटी पर। उधर सिद्धू से अभी तक राहुल गांधी की मुलाकात नहीं हुई है, क्योंकि सिद्धू चाहते हैं अपनी शर्तों के साथ राहुल से मुलाकात करना, लेकिन राहुल नहीं तैयार है शर्तों के साथ मुलाकात के लिए। और ऐसे में आज या कल में पंजाब के बारे में कोई निर्णायक फैसला भी हो सकता है। और अब शायद पंजाब संकट का हल निकलने के बाद इसी पैटर्न पर निकल सकता है राजस्थान का हल भी। लेकिन जयपुर में गहलोत का रुख है कैप्टन से भी ज्यादा कड़ा, ये नजर आता है। उम्मीद ये की जा रही है कि जल्द से जल्द समाधान हो सके, रुख स्पष्ट हो सके पंजाब को लेकर। और अगर ऐसा होता है तो उसके बाद उम्मीदें और बढ़ जाएंगी कि क्या राजस्थान को लेकर भी कोई फैसला यहाँ पर हो सकता है, क्या कोई संकट से निकलने का रास्ता यहाँ पर हो सकता है, या कोई नया पैटर्न इसी तरह का राजस्थान के लिए भी लाया जा सकता है, ऐसी उम्मीद की जा रही है। जम्मू कश्मीर जाएंगे मुख्य चुनाव आयुक्त सुशील चंद्रा। परिसीमन कमीशन के साथ मुख्य चुनाव आयुक्त जाएंगे जम्मू कश्मीर। 6 से 9 जुलाई तक जम्मू कश्मीर दौरे पर रहेंगे मुख्य चुनाव आयुक्त। 8 जुलाई को जम्मू दौरे पर जाएगा परिसीमन आयोग। वह जम्मू कश्मीर के सभी पक्षों से बात करेंगे CEC सुशील चंद्रा। तो जम्मू कश्मीर जाएंगे मुख्य चुनाव आयुक्त सुशील चंद्रा। परिसीमन कमीशन के साथ मुख्य चुनाव आयुक्त जम्मू कश्मीर जाएंगे। जुलाई में गैस बढ़ाएगी रसोई में गर्मी। कोरोना संकट के दौर में रसोई का बजट बिगड़ सकता है। घरेलू गैस सिलेंडर के दाम में 58 रुपए तक की वृद्धि संभव है, और कल से लागू हो सकती है ये बढ़ी हुई दरें। वाणिज्यिक सिलेंडर में 87 रुपए तक की यहां पर वृद्धि हो सकती है। गैस कंपनियों का प्राइस ट्रेंड चल रहा है बढ़ी हुई दरों की तरफ इशारा। गैस डिस्ट्रीब्यूटर एसोसिएशन के महासचिव कार्तिकेय गौड़ ने भी प्राइस ट्रेंड की पुष्टि की है। आम आदमी पहले से ही पेट्रोल डीजल की कीमतों से जूझ रहा है, और ऐसे में ये नजर आता है गैस डिस्ट्रीब्यूटर एसोसिएशन के महासचिव कार्तिकेय गौड़ ने भी यहां पर इस बात को लेकर पुष्टि की कि यहां पर प्राइस ट्रेंड किए जाएंगे। वाणिज्यिक सिलेंडर में 87 रुपए तक की यहां पर वृद्धि हो सकती है। कोरोना काल में बढ़ती महंगाई के बीच अमूल दूध महंगा हुआ है। 2 रुपए प्रति लीटर बढ़े हैं अमूल दूध के दाम। 1 जुलाई से अमूल दूध 2 रुपए प्रति लीटर महंगा मिलेगा, और कल से ही देश के सभी राज्यों में नई रेट के साथ अमूल दूध मिलेगा। पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों का यहां पर असर भी देखने को मिल रहा है। अमूल के सभी मिल्क प्रोडक्ट इधर राजस्थान के 6 जिलों से होकर गुजरेगा सुपर टाइगर कॉरिडोर। टाइगर कॉरिडोर से बदलेगी प्रदेश में वाइल्ड लाइफ टूरिज्म की तस्वीर। धौलपुर से कोटा तक पूरे कॉरिडोर में सुनाई देगी बाघों की दहाड़। पहली बार पूरे चंबल बेल्ट में हर जगह बाघ दिखेंगे। धौलपुर, कैला देवी, आमली, टोंक, रणथंभौर, रामगढ़ और मुकुंदरा। इधर NCR में सरिस्का के बाघों से बढ़ रहा है आकर्षण। फिलहाल प्रदेश में पहली बार बाघों की संख्या 100 के पार हुई है। रणथंभौर में जहां 69 है, सरिस्का में 23, करौली धौलपुर में 4-4 और रामगढ़ मुकुंदरा में 1-1 बाघ। इधर कुल 103 बाघ और 4 टाइगर रिजर्व से टूरिज्म इंडस्ट्री को भी संजीवनी मिलेगी।
जल्द ही कुंभलगढ़ टॉटगढ़ के रिजर्व बनने की संभावना से और भी मजबूती मिलेगी। आज शाम बंद हो जाएंगे प्रदेश के दोनों टाइगर पार्क, सरिस्का और रणथंभौर में बंद हो जाएंगी पर्यटन गतिविधियां। कल से 30 सितंबर तक दोनों टाइगर पार्क यहां पर बंद रहेंगे। हालांकि इस दौरान रणथंभौर का बफर क्षेत्र खुला रहेगा। बफर जोन 6 से 10 में जारी रहेगी पर्यटन गतिविधि। 3 महीने मानसून के दौरान टाइगर पार्क बंद रहते हैं। कोरोना के चलते इस बार सीजन में 69 दिन बंद रहे थे टाइगर पार्क। टाइगर पार्क बंद रहने से 50 करोड़ से ज्यादा का भी नुकसान हुआ है। ग्रामीण परिवहन सेवा से जुड़ी हुई अहम खबर है। पुरानी तर्ज पर ही शुरू होगा ग्रामीण बस सेवा का संचालन। ग्रामीण बस सेवा के तहत चलने वाली बसों को यहां सरकारी अनुदान मिलेगा। परिवहन मंत्री ने अलग से पॉलिसी बनाने का यहां पर ऐलान किया था, लेकिन परिवहन विभाग ने पुरानी तर्ज पर अनुदान देने की यहां पर तैयारी की है। मंजूरी के लिए परिवहन विभाग ने वित्त विभाग को भी इसे लेकर फाइल भेज दी है, ताकि जल्द से इसे लेकर मंजूरी मिल सके। वही 1 जुलाई से खुलेगा देशनो करणी माता मंदिर। कलेक्टर नमित मेहता ने इसे लेकर निरीक्षण किया है। मंदिर निरीक्षण के बाद तिथि की घोषणा की गई है। सुबह 5 बजे से शाम 4 बजे तक का यहां पर वक्त रहेगा, यानी दर्शन का समय यहां पर तय किया गया है। मंदिर परिसर में कोविड प्रोटोकॉल की भी पूरी तरह से पालना की जाएगी। मंदिर निरीक्षण के बाद ही तिथि की घोषणा कर दी गई है। तो 1 जुलाई से बदलेंगे कई नियम। कल से बैंकिंग और आयकर के कई नियमों में भी बदलाव होगा। सर्वाधिक ग्राहकों वाला SBI के नए नियम यहां पर प्रमुख है। बैंक अब महीने में 4 बार से ज्यादा नकद निकासी पर वसूलेगा शुल्क। 4 बार से ज्यादा की हर निकासी पर 15 रुपए के साथ GST कटेंगे खाते से। वही 10 पन्नों की मुफ्त मिलने वाली चेकबुक के लिए चुकाने होंगे 40 रुपए GST के साथ। इधर सिंडिकेट बैंक का कैनरा बैंक में भी विलय हुआ है, और साथ ही कॉरपोरेशन और आंध्रा बैंकों को यूनियन बैंक में भी विलय किया गया। अब इन बैंकों के ग्राहकों को लेनी होगी नई चेकबुक। मारुति और हीरो गाड़ियों के दाम में भी यहां पर बढ़ोतरी होगी। LPG सिलेंडर की कीमतें बदलेंगी। बदलाव भी यहां पर तय है, और इस बीच 50 लाख से ऊपर की खरीद पर कटेगा 0.10% TDS। अध्यक्ष ओम बिरला संसदीय क्षेत्र के प्रवास पर हैं। लोकसभा अध्यक्ष कर रहे हैं रामगंज मंडी विधानसभा क्षेत्र का दौरा। कोरोना के कारण प्रियजनों को खोने वाले परिवारों का दर्द बांट रहे हैं। मोडक में वैष्णव परिवार के घर भी पहुंचे लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला। वैष्णव परिवार में कोरोना से 2 दिन में 6 लोगों की मृत्यु हुई थी। संवेदनशीलता से परिवारों की परेशानियां समझ रहे हैं लोकसभा अध्यक्ष। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला हर परिवार से मुलाकात कर रहे हैं, हर परिवार की चिंता कर रहे हैं। बच्चों की बेहतर शिक्षा के लिए लोकसभा अध्यक्ष बिरला ने उन्हें आश्वस्त भी किया है। परिवारों के सामान्य जीवन यापन के साधनों की व्यवस्था का भी प्रयास कर रहे हैं लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला। सामाजिक कार्यकर्ताओं को सरकारी योजनाओं का लाभ दिलवाने का भी यहाँ पर जिम्मा सौंपा गया है। जो सामाजिक कार्यकर्ता है वो इन परिवारों की मदद कर सके, और जो योजनाएं सरकार की तरफ से चलाई जा रही है उसका लाभ इन परिवारों को मिल सके, ये कोशिश की जा रही है। डॉक्टर्स डे पर डॉक्टर्स से बात। प्रधानमंत्री मोदी करेंगे डॉक्टर्स को संबोधित। गुरुवार को डॉक्टर्स डे पर संबोधित करेंगे। IIMA के कार्यक्रम में दोपहर 3 बजे संबोधन देंगे। पीएम मोदी ने खुद ट्वीट कर ये जानकारी दी है। कोरोना काल में डॉक्टर्स ने लोगों की जान बचाई थी, अपनी जिम्मेदारी को निभाया था। बेहद अहम भूमिका यहाँ पर डॉक्टर्स की रही लोगों की जान बचाने में। IIMA के अनुसार कोरोना की दूसरी लहर में 798 डॉक्टर्स की मौत हुई है, लेकिन डॉक्टर्स की बेहद अहम भूमिका रही। लेकिन बहुत सारे ऐसे डॉक्टर्स हैं, करीब 798 डॉक्टर्स जिनकी दूसरी लहर में मौत हुई। हजारों चिकित्सक डिजिटल मंच पर करेंगे मंथन। डॉक्टर्स डे के मौके पर आज शाम 4 बजे आयोजन होगा। प्राइवेट हॉस्पिटल और नर्सिंग होम सोसाइटी का यह आयोजन है। सोसाइटी सचिव डॉक्टर विजय कपूर ने कार्यक्रम को लेकर जानकारी दी है। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि होंगे राज्यपाल कलराज मिश्र, जबकि नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर VK पॉल होंगे गेस्ट ऑफ ऑनर। एम्बुलेंस में GPS डिवाइस लगाने का आज आखिरी दिन है। परिवहन विभाग ने 30 जून तक के आदेश दिए थे। सभी एम्बुलेंस में GPS डिवाइस लगवाने के आदेश दिए गए, और आज के बाद बिना GPS डिवाइस के मिलने वाली एम्बुलेंसेस पर कार्रवाई भी होगी। समय सीमा खत्म होने से पहले जयपुर में सभी उड़न दस्ते कर रहे हैं यहाँ पर अस्पतालों का दौरा। अस्पतालों का दौरा कर आज ही डिवाइस लगवाने के लिए समझाइश भी की जा रही है। परिवहन आयुक्त महेंद्र सोनी के निर्देशों के बाद भेजे हैं दस्ते। वही RTO राकेश शर्मा ने सभी अस्पतालों में ये उड़न दस्ते भेजे हैं।
इधर 50,000 अतिरिक्त सैनिकों की तैनाती पर भड़का है चीन। चीन सीमा पर अतिरिक्त सैनिकों की तैनाती से नाराजगी है। ग्लोबल टाइम्स ने फिर गीदड़ भभकी दी और कहा भारत गैर जरूरी प्रतिस्पर्धा करेगा तो तबाह हो जाएगा। चीन भारत को एक दूसरे की ताकत का मिलकर इस्तेमाल करना चाहिए। भारत को सैन्य संघर्ष से कोई फायदा यहां पर नहीं होगा क्योंकि पीएलए के सामने भारतीय सेना कमजोर है। तो एक बार फिर से गीदड़ भभकी यहां पर दी गई है जिससे से ग्लोबल टाइम्स ने ये गीदड़ भभकी दी है और कहा कि भारत गैर जरूरी प्रतिस्पर्धा करेगा तो तबाह हो जाएगा। इधर चीन की चालबाजी से सतर्क है भारतीय सेना। पीछे हटने के बजाय युद्धाभ्यास कर रहा है चीन। 1962 की जंग के बाद पहली बार एलएसी पर हमारे 2,00,000 जवान हैं। भारत ने पिछले कुछ दिनों में तैनात किए हैं अतिरिक्त 50,000 सैनिक। चीन ने भी भारतीय सीमा के आसपास 2,00,000 सैनिकों का जमावड़ा किया। 2020 के मुकाबले भारत ने 40% ज्यादा सैनिक यहाँ पर तैनात किए हैं। सैनिकों को एयरलिफ्ट करने के लिए हेलीकॉप्टर भी यहां पर तैनात किया गया। फरवरी में समझौते के मुताबिक दोनों सेनाओं को तैनाती को घटाना था लेकिन चीन ने वादा खिलाफी करते हुए सैन्य अभ्यास शुरू किया। चीन ने हथियार, टैंक, रॉकेट और फाइटर जेट्स भी तैनात किए हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और सीडीएस बिपिन रावत यहाँ जायजा ले चुके हैं। पीएम मोदी ने राजनाथ सिंह, अमित शाह और एनएसए अजीत डोभाल के साथ बैठक की। बेहद अहम बैठक रही। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और सीडीएस बिपिन रावत हालांकि इससे पहले भी जायजा ले चुके हैं और पीएम मोदी ने राजनाथ सिंह, अमित शाह और एनएसए अजीत डोभाल के साथ ये अहम बैठक की। चलिए वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं इस ब्रेक के बाद।